स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए एक दमदार और एकदम ऐसी गाड़ी जो आपने देखी नहीं होगी अभी तक। किलिंग कार है यार, जो गाड़ी है ना आपको एक झलक में चाबी देखो, ये चाबी है आपको, आप इसकी एक झलक देखोगे ना तो आपको इससे प्यार हो जाए। एकदम दमदार और मस्कुलर गाड़ी बनाई है, एकदम एकदम स्लिंकी कार है, एकदम मस्कुलर गाड़ी बनाई है। अभी हम आपको दिखा दे वीडियो में, आगे बने रहना। इससे पहले आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूरी। तो आपको और मस्त मस्त वीडियोस दिखाएंगे, जिसको गाड़ियों का शौक है मॉडिफाइड गाड़ी, बहुत मस्त गाड़ी लेके आ जाओ। चलो हमको खुद इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, हम क्या बताएं। तो दिखा दे हम आपको फाइनल इसमें क्या है। ये है हमारे पास जो आज हम गाड़ी लेके आए हैं। और दोस्तों ये सिंपल हुंडई वरना 1.6 डीजल इंजन वाली नहीं है ये, बल्कि पूरी मॉडिफाइड है। आप इसकी एलईडी देख पा रहे हो, सामने से लाइट है कैसी है, और आप इसके एलॉय देखो एक बार। रुक। अब हम आपको उसकी पूरी डिटेल बताते हैं। ऐसे नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज दिखाते। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इसकी बात करते हैं फ्रंट की। तो सबसे पहले इसका फ्रंट में आता है हेडलाइट। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये रेड सा, ये इन्होंने डायमंड आई कॉन्सेप्ट से तैयार किया हुआ है। और अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगा रखे हैं, आफ्टर मार्केट है ये। और नीचे जो फॉग लाइट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस अंदर जो बल्ब आते हैं ना वो एलईडी बल्ब कर दिए। आगे ग्रिल में भी कोई चेंजेस नहीं किया, फिर भी इतनी डेविल लग रही है ना गाड़ी आगे से, आप खुद देख के बताए। ये देखो इसमें अभी इनका थोड़ा मॉडिफिकेशन बाकी है, मतलब जो स्प्लिटर किट आती है ना वो सब भी लगाएंगे, वो अभी आप लगाएंगे तब हम आपको दिखा देंगे। और इसमें कितना कितना टोटल मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और आप देखो इसमें एक बार लाइट को, जो अपनी नॉर्मल कार होती है वो अंदर से वाइट होती है, इनने पूरी ब्लैक कर रखी है। जो यानी बंदे होंगे ना मॉडिफाइड वाले, वो इस चीज़ को देख के एक आइडिया उनको आपको मिल सकता है कि क्या है इसमें जो ब्लैक, मतलब कितना मस्त लुक दे रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके व्हील्स, जो मुझे बहुत मस्त लगे, यानी बहुत आपको पूरा लुक दिखाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। अब हम आपको व्हील की तरफ ले चलते हैं। ये जो व्हील्स है यार, इतने मजबूत और बढ़िया बनाए ना। सबसे एक बेस्ट बात बताऊँ जो मुझे पहले से गाड़ियों में अच्छी लगती है, इनने जो ये भाई ने इसको पेंट कर रखा है ना, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। तो डिस्क ब्रेक है और इसका ये जो ब्रेक है इसको जो रेड कर रखा है ना, ये लुक अलग ही देती है गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में। आप लोगों को पता होगा जो गाड़ियों में ये करते होंगे, आपने देखी होगी ये गाड़ियाँ। अब हम आपको ले चलते हैं इसके यहाँ पे। ये जो है मैं आपको इसके टायर की साइज बताता हूँ पहले, क्योंकि ये देखो कितना ब्रॉड और वाइड लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये 205 है, इसकी जो ब्रॉड है वो 205 है, और ये 55 जो इसकी यहाँ की साइज आती है। और R16 दे रखा है जो ये टायर का साइज है। R16 में ये इतना ब्रॉड लग रहा है, आप ये पीछे वाले टायर से देख के अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो आप इसका साइड का लुक देखो कैसा आ रहा है। साइड में इनने जो साइड के ओवर व्यू है उस पर भी पूरा ब्लैक करा रखा है। ये जो रेड कलर की पट्टी है, जो स्ट्रिप लगाई है, ये एक बेहतरीन लुक देती है गाड़ी को, और अच्छा लुक है इस वजह से ये लगा रखी है। इसके कार्ड जेट ब्लैक है, हम उसको आपको रिकमेंडेड नहीं करते, ये कोई भी मत करना, लीगल नहीं है। हाँ अगर कर रहे तो अपनी जवाबदारी से कर सकते हो। और इसका जो रूफ है ये देखो, ये भी फुल ब्लैक कर रखा है, ब्लैक कर रखा है। इसका जो है इसमें एंटीना भी चेंज है, इसमें डॉल्फिन वाला लगा रखा है। बैक साइड, बैक साइड भी इसकी इतनी कातिल है ना कि आपको देख के प्यार हो जाएगा। ये देखो जो बैक साइड जो बना रखी है भाई ने, ये पूरी फुल्ली फिल्म चढ़ा रखी है, इसमें पूरी ब्लैक कर दी है, ये थोड़ी अभी रखी हुई है इसके। ये आप कोई भी करा सकते हैं क्योंकि ये लीगल है, इसमें कोई इशू नहीं आता। तो इसका ये जो लुक दे रहा है ना, थोड़ा पीछे से लेकर ये देखो पूरा पीछे से, तो ये लुक है कुछ गाड़ी का। और इसका टायर दिखा साइड में से, ये देखो दोस्तों क्या निकले हुए टायर बाहर। और ये पीछे भी, पीछे इनने खाटू श्याम जी के भक्त है तो उनने उनका स्टिकर लगा रखा है, हिंदू वाला स्टिकर लगा दिया है। एक बात बताऊं इसमें जो ये भाई भैया की गाड़ी है, उनने कोई कमी नहीं रखी है। आपको दिखाऊं गाड़ी मॉडिफिकेशन करने में इधर, ये देखो डीजल कार है तो किस तरह की, ये जो आइस बना रखी है डेविल आइस पूरी एकदम लग रही है। ये भी रात को साइन करती है, साइन करती है रात को, बहुत बढ़िया दिखती है। पीछे भी वही वाले एलॉय व्हील्स है, देखो इनने पीछे भी इसमें डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पीछे भी पेंट करा रखा है, देख सकते हो पीछे भी पेंट है, यानी कहीं पे किसी तरह की कमी ही नहीं रखी है भैया ने। अब हम इसको आपको चला के दिखाते हैं जो इसका लुक आता है, जो मतलब पूरा दूर से आपको दिखाएंगे जो इसका लुक आ रहा है गाड़ी का वो। और इंटीरियर वीडियो देखना, इंटीरियर में भी बहुत खास मॉडिफिकेशन किया है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो रुकना वीडियो को, आगे
आप इसके लुक्स वगैरह कैसे है यार, मेरे को तो लेनी है गाड़ी ऐसी मजा। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे फाइनली इसका इंटीरियर है जो गाड़ी का वरना का। तो देखो सबसे पहले हम दिखा दे, भाई ने यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है ऑन कोड प्लस की, ये जो कोई कंपनी है ऑन कोड प्लस करके उसकी स्क्रीन लगा रखी है। और देखो पास में लाओ, यहाँ पे भाई ने ट्विटर लगा रखा है, ये जो देखो ये दिख रहा है, इसको कुछ ट्विटर करके कहते हैं। और यहाँ दोनों साइड लगा रखा है भाई ने, दोनों की दोनों साइड की तरफ लगा रखा है। और इसमें स्क्रीन के साथ साथ एक और चीज है जो भाई ने डाल रखी है, इसको अभी हमने सुना है, हम खुद हिल चुके हैं पूरे। पायोनियर का सब बूफे वूफर लगा रखा है जो भाई ने, बहुत बढ़िया है। तो चलो हम आपको इंटीरियर दिखाते हैं इसका। सबसे पहले आपको हमने दिखा दिया स्क्रीन, अब देखो यहाँ पे ये दो, ये देखो भाई ने इसमें क्या है, भाई की प्राइवेट पर्सनल खुद की दुकान है कार एसेसरीज की। तो भाई ने देखो खुद की दुकान पे ही ये काम कर रखा है, ये पूरा लेदर फिनिशिंग जो गेट पे है, ये जो डोर पे लगा रखा है भाई ने, ये देखो आप देख सकते हो पूरा अलग ही लुक आ रहा है, ये लुक आया इस वजह से कर रखा है। दोनों साइड किया हुआ है, वहां पे भी आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर भी कर रखा है, पूरा लेदर फिनिशिंग कर दिया है जो बहुत बढ़िया लग रहा है, ऑसम अलग ही लुक आ रहा है। और इनने स्टेयरिंग रैप भी खुद ही कर रखा है, क्योंकि उनका दुकान का, उनकी दुकान का काम ही है ये सीट कवर और ये जो लेदर फिनिशिंग होता है इन सब का काम, इनने सीट कवर का भी इनमें काम कर रखा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो फुल जेड ब्लैक सीट कवर है, फुल जेड ब्लैक सीट तो है, जेड ब्लैक कांच तो है, प्लस जेड ब्लैक रूफ भी है इसकी। ये देखो इसकी जो जेड ब्लैक रूफ है यार, क्या जोरदार लुक दे रही है। आप यहाँ से एक पूरा व्यू देखो, ये देखो ये पूरा जेट ब्लैक कर रखा है, यहाँ पे पूरा फिनिशिंग देख सकते हो आप कितनी बढ़िया है, इनका काम देख सकते हो कितना मस्त है, पीछे भी पूरा लेदर फिनिशिंग के साथ पूरा सीट ब्लैक कर रखी है। और ये देखो ये आपने देखा होगा, मतलब भाई ने जितना हो सके उतना ब्लैक कलर करने की कोशिश की है। और ये देखो जो इसके जो दोनों के आगे के पिलर आते दोनों साइड के, उनपे भी इनने ब्लैक रैप कर रखी है पूरी की पूरी। तो चलो अब हम आपको इसके पीछे की तरफ लेके जाते हैं, इसके पीछे की तरफ एक और चीज उनने लगा रखी है और वो बहुत मस्त है, ये देखो। तो देखो ये बैक सीट है, ये देखो भाई ने क्या लगा रखा है, आर्म रेस्ट लगा रखा है, प्लस इसमें अंदर स्पेस भी है, आप यहाँ पर अपना फोन चार्जिंग में रख सकते हो, पावर बैंक सिक्के पैसे वगैरह है, वॉलेट वगैरह आप यहाँ रख सकते हो, मतलब भैया ने पूरी अच्छी तरह से फैसिलिटी गाड़ी में कर रखी है। और दोस्तों इसमें जो मेन सिस्टम जो काम हुआ है इसके अंदर, वो इसके ये तो स्पीकर का काम है ना, जो बहुत बेहतरीन हो रखा है इसके अंदर, जो सब वूफर लगा रखे, मैं भी आपको इसके डिक्की में जाकर सब वूफर दिखाता हूँ। उससे पहले आप इसके जो केबिन में जो साउंड और बेस आ रहा है ना, वो आप एक बार एक्सपीरियंस करो, सब अपने अपने हेडफोन लगा लो फटाफट, तो ही आपको एकदम फील आएगी। अभी मैं आपको नॉन कॉपीराइट बेस गाना बजा के दिखाते हैं हम आपको। 1 2 3 हेडफोन लगा लेना, और अभी इसका साउंड 20 पर है, इसका साउंड अभी 20 पर है, 40 तक साउंड जाता है, 40। ये देखो क्या वाइब्रेशन दे रहा है, 40 तक साउंड जाता है इसका, अभी सुनना आगे। एक बार हम 40 करेंगे इसको, 40 पे एक बार, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने जो केबिन में जो साउंड की जो फील आ रही है बेस की, और जो एम्पलीफायर लगा रखा है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज कर रखी है भैया ने। बंदा जो इसमें पूरा हिल जाएगा आके यार, जो साउंड आ रहा है आपने ये देखा होगा, ग्लास किस तरह से हिल रहा है। अब हम आपको पीछे ले चलते हैं, चलो। अब मेन जो इसमें जो ये चीज की वजह से फील हो रही है ना, वो आपको पीछे लेके मैं चल रहा हूं। 20 पर ये हमारा साउंड हमने 20 पर रखा है, 40 पे करके सुनाएंगे, चलो 1 2 3 चलो। ये देखो दोस्तों जो मेन सिस्टम है वो ये है, पाइनर के दो सब बूफर लगा रखे पेटी वाले, वो भी ये देखो। और तो यहाँ पे इनने एम्पलीफायर लगा रखा है बड़ा वाला। अब शुरू करते हैं। ये दो एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर इसके पीछे भी और एक यहाँ पे भी है। अब आप सिर्फ इसके साउंड सुनना, 20 पर आवाज है। अभी मैं 40 करके आता हूँ, अभी 20 पर है। बाहर देखो कितनी क्लियर आवाज सुनाई दे रही है। फोर्टी कर दी, 40।
दोस्तों हम तो पागल हो चुके हैं पूरी तरह से, सही मैं बता रहा हूँ पूरी तरह से। और मेरे को बहुत गाड़ियों का शौक है, मॉडिफिकेशन गाड़ियों का भी बहुत शौक है, तो ये पागल कर दिया है। और इन भैया ने जो गाड़ी पे काम करा है वो जोरदार करा दिया है यार। अभी हम मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये चीज, बहुत सच बता रहा हूँ। ये अलॉय व्हील वाली गाड़ी और ये पूरा जो आगे है इसके हेडलैम्प सब मॉडिफाई करा रखे, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ये जिनकी गाड़ी है वो भैया को भी हम बुला लेते हैं कि कैसी लगी, उनने कैसी बनाई, उनने क्या खर्चा किया, कितना पैसा लगाया, वो खुद ही आपको बताएंगे। और एक खुद का ओनरशिप रिव्यू भी आपको दे देंगे इसकी गाड़ी के लिए। तो दोस्तों ये मॉडिफाई वरना के अपने पास ओनर आ चुके हैं भैया। भैया पहले अपना नाम बता दो। इन भैया की कार की एसेसरीज की दुकान है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कहाँ पे है। और सबसे पहले तो भैया आपने इसकी हेडलाइट में क्या काम कराया आप वो बता दो। और इसके एलॉय में क्या कराया आपने? तो मतलब इसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपने डलवाया है इसका क्या कॉस्ट रहा है? इसका 13,000 का कॉस्ट रहा है प्रोजेक्टर लेवल। जैसे भैया ने बताया 13,000 जितना कुछ कॉस्ट आया है। और इसके जो एलॉय व्हील्स आपने ये जो डला रखे आफ्टर मार्केट इसका क्या कॉस्ट है? इसका 50,000 रुपये कॉस्ट है। 50,000 के आसपास टायर के साथ में 50,000 रुपया कॉस्ट है। आप देख सकते हैं कितने कॉस्टली भैया ने टायर डलवा रखे हुंडई वरना में। और इसके जो ये आपने ओवरव्यू में क्या करवा रखा है? कुछ भी इसमें कलर करवाया, थोड़ी हाईलाइट दिया रेड कलर की। मतलब ये जो है कंपनी का ये आफ्टर मार्केट नहीं है, सिर्फ कलर करवा रखा है इनने और कुछ नहीं करवाया। इंटीरियर है उसमें आपने कितना क्या खर्चा करा है? इंटीरियर में 35,000 रुपये जैसा खर्चा होगा। सीट कवर है, जैसे दरवाजे, ऊपर का टॉप बनवाया है, रूफ टॉप, साइड के जो पैनल है वो सब ब्लैक करवाई है। आपको इंटीरियर में बताया उस हिसाब से भैया बता रहे हैं 35,000 जैसा खर्चा करवा रखा है। मतलब भैया ने पूरी गाड़ी स्टाइलिश बना रखी है, भैया ने खुद के जैसे जैसे भैया दिख रहे स्टाइलिश एकदम गाड़ी भी वैसी करा रखी है। और अब सबसे मेन चीज की बात करते जो इसका साउंड स्पीकर है उनमें इनने कितना खर्चा करा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो सब बूफे सिस्टम लगा रखा है इसका क्या कॉस्टिंग आपने? इसका 70,000 रुपये ज़्यादा कॉस्टिंग बैठा होगा। 70। मतलब कुछ देखा जाए तो मोटा मोटा 150,000 के जैसी इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है भैया ने। पीछे भी एम्पली है सब लोग, पीछे सब बूफे में एम्पली रखा हुआ है। ये देखो देख सकते हो ये एम्पलीफायर है, दोनों में एम्पलीफायर लगा रखे हैं, तभी इसकी आवाज इतनी खतरनाक आ रही थी। खतरनाक है, पैसा भी तो खतरनाक लगा रखा है इसलिए इसकी आवाज इतनी भयंकर आ रही है, क्योंकि पैसे भी 70,000 रुपए लगाए साउंड स्पीकर में पूरे। और इसमें भैया इसमें फिल्म चढ़ा रखी है आपने, इसको स्मोक करवा रखा है, पूरी गाड़ी में डैम्पिंग लगवा रखी है, डैम्पिंग साउंड आगे पीछे पूरे डैम्पिंग के लिए। तो भैया आपने ये जो एलॉय लगाए हैं ये सब मॉडिफिकेशन करी, उसके बाद चलाने में आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा है। लोग देखते होंगे रिएक्शन कैसा देते हैं? रोड पे चलती है तो मेरी नजर इस पे ही जाती है ना। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में हमको सपोर्ट करने के लिए, वीडियो आपने गाड़ी देने के लिए। और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपने देख लिया ओनर रिव्यू क्या था, जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है। तो दोस्तों अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। बताना कैसी लगी है गाड़ी, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये सब हम आपके लिए ला रहे हैं। और ऐसे ऐसे गाड़ियों के वीडियोज़ रिव्यूज़ सब कुछ लाते रहेंगे, तो हमको सपोर्ट करो, बहुत मज़ा आने वाला है।